वेलकम बैक आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दो फंक्शन कवर करेंगे फर्स्ट फंक्शन है वर्क डे वर्क डे ये फंक्शन करता क्या है जैसे कि एग्जांपल के लिए ये यहां पर मेरे पास डेटा सेट है ये प्रोजेक्ट के नाम से ये उसका स्टार्ट डेट है और ये उसका टाइमलाइन है मतलब डेड है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये डेट से स्टार्ट होगा और अगले ट्वेंटी डेज में ये कंप्लीट होगा राइट अभी यहां पर जो है अगर आप जो है आ, मतलब कि ये ट्वेंटी डेज अगर कैलकुलेट करते रहेंगे इस तरह से जैसे कि कैलेंडर ओपन किया या फिर काउंट किया तो इसमें काफी दिक्कतें आएंगी जैसे कि वीकेंड आएगा फिर उसके बाद उसको एक्सक्लूड करना होगा फिर उसके बाद जो है हॉलीडेज वगैरह यह एक्सक्लूड करना होंगे तो लेकिन ये काम जो है आपका वर्क डे ये फंक्शन जो है सभी काम आपको सिर्फ एक जो है कुछ सेकंड में ये करके देता है तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे वर्क डे स्टार्ट डेट तो ये डेट होंगी हमारी उसके बाद हम इसको कॉमा देंगे और उसके बाद ये मांग रहा है डेज मतलब न, ये जो हमारा डेड लाइन है वो उसके बाद कॉमा हॉलीडेज अभी आप देख लीजिए गौर कीजिए हॉलीडेज जो है ये ऑप्शनल है राइट क्योंकि ब्रैकेट में आ रहा है अगर आप देते हैं तो यहां पर वो डे भी जो है एक्सक्लूड हो जाएंगे यहां पर आपको एक काम ये करना है कि हॉलीडे को जो है आपको एफ से फ्रीज कर लेना है ये सिलेक्शन को क्योंकि जैसे जैसे ये फॉर्मूला नीचे आएगा ये जो है इसका सिलेक्शन भी जो है हटेगा तो हो सकता है कि कोई आपके कैलकुलेशन में उससे मिस्टेक आए उसके बाद ब्रैकेट को हम यहां पर क्लोज करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे उसके बाद इसको हम ट्रैक कर लेंगे नीचे तक ठीक है अब यहां पर जनरली नंबर आ रहे हैं उसकी वजह यह है कि यह सेल की जो फॉर्मेटिंग है वो नंबर है तो इसके लिए आपको करना क्या है कंट्रोल वन प्रेस करना है उसके बाद फॉर्मेट सेल का ये ऑप्शन आ जाएगा यहां से हमको ये डेट सेलेक्ट करना है डेट में आप जो भी फॉर्मेट लेना चाहे वो फॉर्मेट आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद ओके प्रेस कर दीजिए ये देख लीजिए यहां पर जो है ये डेट आ चुकी है तो इस तरह से वर्क डे ये फंक्शन काम करता है बढ़ते हैं बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन की ओर दूसरा फंक्शन है सम इफ पहले आपको बता दू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ ये एक फंक्शन है जिसमें कंडीशन एक ही होती है और दूसरा फंक्शन है सम इफ्स मतलब कि आखिरी में एस होता है इसमें मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस यहां होती है अब ये एक डेटा सेट है एक सेल्स रिपोर्ट है मेरे पास यहां पर आपको करना क्या है ये यह यहां पर जो है डेटा वेलिडेशन मतलब ड्रॉपडाउन लिस्ट मैंने जो है अप्लाई की है प्रोडक्ट के लिए और रीजन के लिए तो ये जो भी प्रोडक्ट रहेगा जो प्रोडक्ट रहेगा जो रीजन रहेगा उसका टोटल सेल्स कितना हुआ ये हमको उसके बाद जो है सम रेंच, सम रेंच मतलब कि हमारा सेल्स का जो कॉलम है हेडिंग छोड़ के हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे यहां पे अभी देख लीजिए हम नीचे आ गए अब जनरली ऐसी स्थिति में हम करते क्या है कि स्क्रोल बार को जो है इस तरह से ऊपर करते हैं यहां से राइट तो उसका भी एक शॉर्टकट आपको बता देता हूं और यह शॉर्टकट बहुत से लोगों को शायद पता भी ना हो आपको यहां पर ऐसे हालत में करना यह है कंट्रोल और बैक स्पेस आपको प्रेस करना है तो जहां पर आपने जो सेल में आप ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं वो सेल पर आप जो है यहां पर रिटर्न आ जाएंगे अभी यहां पर हमको कॉमा देना है अभी ये क्राइटेरिया रेंज वन मतलब फर्स्ट जो क्राइटेरिया हमारा रीजन वो मांग रहा है पूरा रीजन हमको सिलेक्ट करना होगा हेडिंग छोड़ करके उसके बाद कॉमा देंगे दोबारा से कंट्रोल और बैक स्पेस अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया वन मतलब कि ये सेल हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये चेंज होता रहेगा कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू यहां पर हम प्रोडक्ट को जो है सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद कॉमा दोबारा से कंट्रोल बैक स्पेस क्राइटेरिया टू मतलब कि ये जो क्रिटेरिया हमारा उसको सिलेक्ट कर लेंगे हमारे इस फंक्शन में हमको दो ही क्राइटेरिया रखना है तो यहां पर जो है ब्रैकेट को क्लोज करके हम इंटरप्रेस कर लेंगे अब ये देख लीजिए ये फंक्शन जो है यहां पर अप्लाई हो चुका है और ये प्रॉपरली काम भी कर रहा है तो इस तरह से सम इफ जो फंक्शन है आप ये यूज करके आपका काम और ज्यादा आसान कर सकते हैं